you, my friend. Because two of you would be knowing that he's played cricket at a very high level for us in Mumbai. And since the first enrollment is this, I'm sure this is going to be a big success. And this is a very nice concept. It's not only about free hand weights. I can see that there is a lot of rock climbing and other different kind of sports available here. And also what Lalit told me is they are going to have diet food and specialized food, which they are going to first initially serve here and then cater to different homes through Zomato and Swiggy. I wish them the best and I wish them all success. I stay in this building, so I am maybe the second enrollment. Thank you so much. जरूरी हो गई है. इट डजंट मैटर कि आप किस एज के हैं, लेकिन आपको हर आदमी को, हर औरत को, हर यंगर जनरेशन, हर बच्चे को दिन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी हो गया है. हमारे बच्चे आजकल इतना ज़्यादा कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं. मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा मैं ललित का अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने इस तरह का एक सेटअप हमारे बच्चों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दिया है. क्योंकि आज सिर्फ एक जिम में जाना और मशीनें करना, उससे ज़्यादा इस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने सारी फिजिकल एबिलिटीज़ को टेस्ट करते हो. मैम, और बात करें घरेलू महिला जो होती है या जो महिलाएं काम करती है वो नेग्लेक्ट करती है, तो काफ़ी उनके बारे में क्या कहते हैं, किस तरह से उनको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए? घरेलू महिलाएं नहीं, हम जैसी महिला भी निग्लेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को. लेकिन नहीं, हर महिला को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए. आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आप कैसे दिखते हो, आपका जीरो फिगर है, इस तरह उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती हूँ. आपको मेंटली, फिजिकली, आपने अपने घर को संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, अपने आप को संभालने के लिए फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपसे जो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, क्या है फैसिलिटीज़, किस कैसे डिफरेंट होगा ये और जिम सेंटर से, बताइए उस बारे में. देखिए, ये बेसिकली ऐसा है कि एवरीथिंग अंडर वन रूफ है, वन स्टॉप सोल्यूशन है. बाकी जगह आप कहीं भी मतलब एमएमए करने के लिए आप एक जगह जाते हैं, फिर आप किक बॉक्सिंग करने कहीं और जाते हैं. यहाँ पे एमएमए, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, देन जूडो एंड योर एरोबिक्स, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ.
प्लस हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या होता है ना, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है इट इज़ नॉट जस्ट वर्कआउट, आप क्या खाना खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट यू ईट द राइट फूड, दैट्स वाई हम यहाँ पे डाइट फूड भी रखे हैं विच इज़ 100% नेचुरल विथ नेचुरल जूसेस, जहाँ हमारे क्लाइंट्स आफ्टर वर्कआउट उसको खाएँ एंड वेन एवर दे रिक्वायर इट हम उनको होम डिलीवरी कराएँ, सो दैट वी गिव दम ए वेरी क्लीन एनवायरमेंट. और राजगिरी के दिग्गज है आपको इसमें मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको इसके लिए आज के दिन की बात करें? सर मैम की बात कर रहा हूँ, सर की बात कर रहा हूँ, जो आए आपके काफ़ी दिग्गज लोग आए थे आज यहाँ पे उनके बारे में. जी देखिए जीतू जी और शालिनी दया तो मेरे हर वेंचर में साथ में रहे हैं और ये ऐसा ही रिलेशनशिप जिंदगी भर तक मेंटेन हो उनके आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, हम ऐसे ही करते रहे चीज़ों को. बस मेरे को तो वही चाहिए, वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ दे हैव ऑलवेज थॉट कि नो ही इज डूइंग द राइट थिंग, सो बस वही बिलीफ जिंदगी भर तक रहे. आज तो शुरुआत है, आगे का क्या विजन है, किस तरह से आप ये ब्रांड करने वाले हैं? बेसिकली क्या इसका हमने ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी लिया है, तो एज आई सेड मुंबई से स्टार्ट किया है, वी आर टेकिंग टू द ऑल द सिटीज ऑल्सो स्टेट्स ऑल्सो, हमारा टारगेट है कि हम दो साल में 30 सेंटर्स और खोलें. ऑडियंस को किस तरह से टारगेट ऑडियंस को किस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्लान्स हैं, किस तरह से टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम पहले कुछ प्रमोशनल स्कीम्स रखे हैं जहाँ पे मतलब हम ऑफर्स दे रहे हैं प्लस एट द सेम टाइम हम उनको बोल रहे हैं ट्रायल और एरोबिक्स और दुनिया में फ्री ट्रायल में आए वो खुद पहले एक्सपीरियंस करें, वो उनको जब अच्छा लगेगा लेट देम एक्सपीरियंस इट, देन ओनली हम चाहते हैं कि वो आके इसमें एनरोल करें. ट्रेनर हब माना जा रहा है, कई कई यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. करेक्ट, तो किस तरह से आपके ट्रेनिंग सेंटर में लोग आए इसके लिए कोई स्पेशल प्लान है? स्पेशली यहाँ पर ऑडियंस तो है लेकिन उसको किस तरह से आप अपनी ओर से? देखिए क्रॉसफिट आपने पहले देखा होगा, सुना भी होगा बहुत लोगों ने, लेकिन क्रॉसफिट का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है. इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज क्रॉसफिट इज अ फार्मर्स जॉब अंडर ए एसी रूफ, दैट इज व्हाट क्रॉसफिट इज. मतलब हमारे जो दादा परदादा जो चल करते थे वो आज हम इस क्रॉसफिट के नाम पे करने नाम पे कर ये जनरेट हुआ है इंडिया से ही, हम जबरदस्ती लेके आए वहाँ से, लेकिन है हमारे वो फार्मर का जो कल्चर है हम उसी को एक क्रॉसफिट का नाम दिए हैं. बट द ओनली थिंग इज क्रॉसफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो ट्रेनर कहाँ से होगी, इंडियन? नहीं, ट्रेनर कुछ यहाँ से हैं, कुछ एलए से हैं, दे आर ऑल वेल ट्रेन्ड. आज तक आपने सुना भी होगा अगर कोई थोड़े बहुत वर्कआउट करते हैं उनको पता होगा सर्किट ट्रेनिंग होता है क्रॉसफिट में विच इज ऑन ग्राउंड लेवल. वी हैव सर्किट ट्रेनिंग ऑन वॉल लेवल, आपको वॉल में सर्किट कंप्लीट करना है जो आप पीछे देख सकते हैं. बात करें हम तो राम मंदिर का जो वर्डिक लाया है यहाँ पे पॉलिटिक्स करने की या बोलने की जगह नहीं है, लेकिन हम सच्ची में जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है उनका अभिनंदन करते हैं कि इतने सालों से जो मुद्दा हम बारा साहब ने भी उसमें उठाया था और उस टाइम से ये चल रहा है, आज उस मुद्दे को फाइनली न्याय मिला है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन लोगों का भी और सुप्रीम कोर्ट का. थैंक यू उस बारे में कि किस तरह से आज के लोग जो हैं हेल्थ नेगलेक्ट कर रहे हैं और कितना जरूरी है उनको मेंटेन करना. देखिए हमारे मित्र जो है वो बहुत बेहतरीन क्रिकेटर है और यहाँ पे जो हमारे मित्र हैं दिलीप ताहिल साहब वो तो बहुत बेहतरीन एक्टर है और दोनों को फिटनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने अपने फील्ड में. इसी तरह पॉलिटिक्स में जब हम रहते हैं आपको भी फिटनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है और आजकल नए एज पॉलिटिशियंस है थोड़े अच्छी भी रहना चाहिए, थोड़े फिट भी रहना चाहिए और लोगों का सेवा करने के लिए फिट भी रहना बहुत ज़रूरी है. और वॉर रूम वॉर टाउन जो दलित मेरे मित्र ने यहाँ पर शुरू किया है, यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग है और दूसरे जो फ्री हैंड एक्सरसाइजेस टाइप के जो जिम्स है जो इंस्ट्रूमेंट्स है किक बॉक्सिंग है बॉक्सिंग है ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि रूटीन जिम से जो जहाँ पर लोगों को बोर होता है थोड़ा बहुत ट्रेडमिल पे चलने से या साइकिलिंग करने से ये थोड़ा एक फन टाइप ऑफ स्पोर्ट और फन टाइप ऑफ फिटनेस एक्टिविटी है. ये जो कॉन्सेप्ट है ये शायद उन्होंने US से यहाँ पर इम्पोर्ट किया है और फ्रेंचाइजी लिया है और उनका ये इनिशिएटिव है कि पूरे देश में ये फ्रेंचाइजी चले. इसी के साथ जो डाइट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और फिटनेस के साथ अगर डाइट अच्छी तरह से कंबाइन हो
तो आदमी का सेहत अच्छा रहता है, और आजकल जो पोल्यूशन है और जो दूसरे स्ट्रेसेस है लाइफ में, उसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। एज एन इंडिविजुअल आप क्या बेसिकली फोकस करते हैं व्हेन कम्स टू हेल्थ और व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डू यू बिलीव शुड पीपल ईट एंड किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है हम तीनों 20-25 साल से वर्कआउट करते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, जिस हिसाब तो योगा भी करते हैं, आष्टांग योगा जो साहब भी काफ़ी वर्कआउट करते हैं। थोड़ा मेरा वर्कआउट दो महीने से बंद है इलेक्शन की वजह से, लेकिन आई विल कम बैक हियर, यही बिल्डिंग में रहता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर आके मैं वर्कआउट करूँगा तो बहुत अच्छी जो है सेहत बनेगी। और मैं धन्यवाद देता हूँ और उसके पूरी टीम को कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ हमारे देश के लिए। सर, स्पेशली द फील्ड ऑफ एक्टिंग में लुकिंग यंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहना चाहेंगे आप कैसे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ रजत जी को ये जिम खोलने में, हमारे मित्र कृष्णा मैम जी हमारे मित्र कृष्णा जी ने सबको जो कहना था बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से कह दिया। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि फिटनेस का और प्रोफेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, फिटनेस का इंसान से ताल्लुक, इंसान से रिश्ता। कोई भी प्रोफेशन में कहीं भी हो, किसी किस्म का काम भी आप कर रहे हो, फिटनेस अपने शरीर को, जो बोलते शरीर अपने अपने मतलब जिंदगी का मंदिर है, उसे उसे रिस्पेक्ट देना, उसे संभालना, ये मतलब ये हमारा हमारा मतलब दायित्व है इंसान के तौर होने में। तो मैं तो ये सबसे कहूँगा कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन दिन में कुछ समय निकालिए अपने आप अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए, चाहे वो योगा हो या इस जिम में जो बहुत बढ़िया जिम बना है वर्कआउट, मैं देख रहा हूँ ये रॉक क्लाइंबिंग का यहाँ है जिसमें जो मतलब आप माउंटेनियरिंग और रॉक क्लाइंबिंग का ये कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, लगता आसान है, जब आप शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरे शरीर को आपका एक्सरसाइज होगा। तो मेरा सब ये है कि आप कहीं भी हो, 20 मिनट भी आप अगर दिन में आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समय निकालें। So what you have to say regarding today's opening and about general what help? सबसे पहले फिटनेस के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ रिसर्च भी होता है, लेकिन आज का जो दौर है तो एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें सर्वाइवल ऑफ फिटनेस जो बोलते हैं उसके लिए फिट होना तो ज़रूरी है। लेकिन सबसे आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ललित है, मंगेश, ये सब राकेश जो है, ये यंगस्टर्स, इन्होंने एक अमेरिका से एक कंसेप्ट जो लाया है जो हमारी जैसा एक एक्सरसाइज करने का एक कंसेप्ट जो है, आप देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं है, उसको आप के माध्यम से प्रमोट आप करें। मैं आपको बस रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, फिटनेस के बारे में जितना कहा जाए उतना बिल्कुल कम रहेगा, लेकिन हम सबको फिट होना बहुत है। जिम तो बहुत है, जा रहा है उस हिसाब से फिटनेस बहुत जरूरी हो गया है, और महिलाओं के लिए जिस तरह अत्याचार बढ़ा उसके लिए भी फिटनेस तो बहुत जरूरी है। लॉकडाउन को इस हिसाब से छोड़ा गया है, अब मुंबई के बाद थैंक यू राकेश, सबके अपने अपने एक्सपर्टीज हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर का और इसका मार्केटिंग का। अच्छा हुआ वी डिड यूनाइट एट अ राइट टाइम टू गेट दिस थिंग करेक्ट, होपफुली बहुत कम टाइम में हमने इसको सेट किया क्योंकि कुछ हमारे बेंचमार्क्स कुछ थे वहाँ USA के, इतने टाइम में इसको सेट करना है। वी हैव डन इट नाइसली एंड लेट्स मेक अ रोर फॉर वॉर टाउन। यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस में एंट्री किया, हमारा प्लान ऐसा भी स्थानीय में इंजीनियर हूँ बट सिर्फ हाउस डिंग में स्टडी उसके अलावा जॉब कर रहा था मैं, बट सोचा कि बिजनेस करते हैं और बहुत मैं नसीब वाला हूँ जो मुझे मेरे बड़े भाई रजत सर मिले, मेरे को उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया कि कैसे दुनिया है बिजनेस की, हमने स्टार्ट किया एंड फाइनली वी आर इन वॉट टाउन। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्टूडियो कॉन्सेप्ट में ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रॉसफिट है, थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से हम जाके जो कि वर्कआउट के टाइम में थोड़ा फन करे, थोड़ा एंजॉय करे, बेसिकली ये हमारा मोटिव था जिसको हम लोगों ने आज पूरा किया। लेट्स वर्क आउट बिगिन। यस,
माइंड से इंटरेस्ट था ये जिम खोलने का, क्योंकि मैं खुद एक फिटनेस फ्रीक हूँ और मुझे ललित सर जैसे बड़े भाई मिले जो उन्होंने हेल्प की, तो आप देख सकते हैं कि आज ये काम मकाम खड़ा हुआ है। सो थैंक यू ललित सर एंड थैंक यू माई ब्रदर नीलेश एंड राकेश फॉर हैविंग दिस। लेट्स रॉक इट, लेट्स रोल इट, वॉच आउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मीडिया, थैंक यू, थैंक यू। हम शिकायत का बात यह है कि कमी है जगह की, लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन इंडोर में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है और शरीर के लिए बहुत अच्छी है। तो ललित जी का ये जो फिटनेस सेंटर है कुछ अलग इनोवेटिव है, ये जो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट पाएंगे, तो क्या कहते हैं कि कितना डिफरेंट आपको लगा ये? नहीं देखिए, तरीके अलग अलग आ रहे हैं, माउंटेनिंग जो है पहले से चल रही है, बहुत पॉपुलर है हर जगह। सबसे खूबी की बात ये है कि जो आपके पास जगह नहीं, आप दूर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो इनडोर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है। पहले ज़माने में जिम का मतलब होता था एक छोटी सी जगह, वहाँ कुछ वेट्स पड़े रहते थे, लेकिन आजकल जिम वैसा नहीं रहा, कल्चर चेंज हो गया। उस जिम के अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाली वेट्स करने से बात नहीं बनती है, आपके अंदर एक दूसरे किस्म की फिटनेस है जिससे आपका हार्ट जो है उसको भी दौड़ना चाहिए, आपका ब्लड जो है वो भी रश करना चाहिए आपकी वेट्स के अंदर, तो ये सब चीज़ें तभी होगी जब शरीर दौड़ता है। तो एक्सरसाइज वेट्स के बाद एक दूसरी फॉर्म में जो एक्सरसाइज है जो अभी अवेलेबल हो रही है यहाँ पे या उस जिम में होगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, इसमें गुड फॉर पीपल दो जिनके पास जगह नहीं और अंदर आके करना चाहिए। ललित जी आप क्या करेंगे, मुकेश सर इतनी फिट हैं मतलब एज एन एक्टर, क्या करना चाहेंगे वो आए मतलब? ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मुकेश जी की जो फिटनेस है वो नेचुरल है, तो हम वही नेचुरल ट्रेंड वापस लेके आ रहे हैं, नेचुरल फूड खाओ, नेचुरल तरीके से करो। यस, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा उन लोगों से, जो बहुत से लोग उनके पास टाइम नहीं है, उनको फट से सब कुछ चाहिए, बिग मसल चाहिए, तो मैं कभी भी उसका उसके फेवर नहीं करता, मैं नेचुरल हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, मेरा वड़ा खाना है तो वड़ा पाव भी खाना है, और समोसे का मन है तो समोसा भी खाना है। आपका शरीर है लेकिन कितना खाना है, किस टाइम खाना है, इतनी समझ तो आपको आ जानी चाहिए। तो शरीर को बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसको सीधा जितना सीधा सिंपल रखेंगे उतना ही, हम जिन चीज़ों से बने हुए हैं, अब मेरी स्विट्जरलैंड से नूडल आएगी उसमें क्या दम है तो मेरे अपने रोटी में नहीं है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं आजकल, तो मैं चाहूँगा कि सीधा रखें इसे, सब चीज़ खाएं, शरीर आपको सब चीज़ बताता है कि अब मेरा मन नहीं है, अभी ओवर ईटिंग हो रही है, आज मुझे बॉडी हैवी है, मेरा मन, ये सब उसके सिग्नल आप समझेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगेगी, उस हिसाब से करिए एक्सरसाइज। आप सबको ऑल द बेस्ट।